हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। यहीं से हमारी कंट्री रन होती है, इसी को हम बोलते हैं केंद्रीय सचिवालय। यहीं पर पार्लियामेंट है, यहीं पर सारी की सारी मिनिस्ट्रीज है। तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ अपनी बाइक पर, क्योंकि हम मेट्रो से जाएंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये काफ़ी इजी जर्नी है, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नाम का एक मेट्रो स्टेशन ही है। तो आपको सीधा येलो लाइन पर जाना है और वहाँ पर आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। टोकन लेने के बाद इस तरह से आप एंट्री करते हो, उसके बाद आपको सीधा जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पर आपको मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी। तो मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पर और ये सामने से आ रही है मेरी मेट्रो। इसमें मुझे बैठकर जाना है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर। तो दोस्तों आप ट्रेन को देखिए, मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ तब तक। दोस्तों फाइनली अब मैं मेट्रो ट्रेन के अंदर आ गया हूँ। अब रास्ते में और भी मेट्रो स्टेशन्स आएंगे, तब तक आप उनको देखो और मैं भी मज़ा लेता हूँ मेट्रो का। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं हमारे मेट्रो स्टेशन, चलिए बाहर निकलते हैं। दोस्तों मेट्रो से निकलने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। चलिए अब आपको दिखाता हूं सब कुछ। दोस्तों जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर निकला, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी एक बैड न्यूज़। दोस्तों आप सभी को भी पता होगा हमारा नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सब कुछ यहाँ पर बंद है, हम अब पुराने पार्लियामेंट को नहीं देख सकते हैं जब तक ये नया वाला पार्लियामेंट नहीं बनेगा। तो दोस्तों पार्लियामेंट तो नहीं देख पाएंगे हम, मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी रोड से, तो हमारे राइट हैंड साइड में पड़ता है एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो एयरफोर्स का लोगो, तो ये हैं एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स। और इस साइड भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारे लेफ्ट साइड में, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ अभी। तो ये हैं राइट साइड में एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स। दोस्तों यहाँ पर आप रियल फाइटर जेट्स के डमी वर्जन देख सकते हो, या फिर उनका रेप्लिका बोल सकते हैं इसको। मेट्रो स्टेशन है ये सामने, और एक बार आप फिर चारों तरफ से देख लो, फिर से एयरक्राफ्ट दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों अब इस रोड को क्रॉस करना पड़ेगा हमको, क्योंकि सामने है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको देखने के लिए हम जाने वाले हैं। ये है उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन, ये एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स, और अभी इसके सामने से हमको क्रॉस कर कर जाना है ताकि हम देख सकें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और उसी साइड पड़ता है हमारा इंडिया गेट, तो अगर आपको इंडिया गेट देखना हो तो आपको भी इसी साइड से जाना पड़ेगा। दोस्तों ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये वाली विदेश मंत्रालय बोलते हैं इसको। चारों तरफ से देख लो आप, इसके सामने ऐसा है, और ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय भी बोला जाता है इसको हिंदी में। तो दोस्तों इस तरह से है इसके चारों तरफ का माहौल, काफ़ी अच्छी जगह है ये, एकदम शांत शांत, हर तरफ ट्रीज़ हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर, शायद पॉल्यूशन भी यहाँ पर कम हो। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ, तब तक आप इस व्यू को एंजॉय करो। दोस्तों सामने जो आप ये वाइट कलर की बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये है विज्ञान भवन। इसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। चलिए मैं और पास जाकर इसको आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से।
दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ कनॉट प्लेस की तरफ जाने का। रास्ते में जो भी होगा मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, काफ़ी पास है यहाँ से। दोस्तों जैसे ही इंडिया गेट को क्रॉस करने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ा, सबसे पहले पढ़ा ये हैदराबाद हाउस। ये है दोस्तों हैदराबाद हाउस। चलिए थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ मैं आपको। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमको मिले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर्स। ये उनका रेजिडेंशियल एरिया है। जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको यहाँ पर घर मिल जाता है, यहाँ पर उनको अकोमोडेशन मिल जाता है। दोस्तों ये उनका अकोमोडेशन है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जगह पर मिला है वैसे तो ये। दोस्तों अब हम फाइनली पहुँचने ही वाले हैं कनॉट प्लेस, और ये बिल्डिंग मिली जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ और आपको दिखा दूँगा। तो जैसे ही हम पहुँचने वाले थे, जस्ट उसके पहले हमको ये बिल्डिंग दिखाई दी। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस। यहाँ पर कुछ खाना पीना करके सीधा निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों जो आप देख पा रहे हो ये है कनॉट प्लेस। मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से, ये है कनॉट प्लेस। दोस्तों कनॉट प्लेस के थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमको मिला जंतर मंतर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस एंड सीआरपीएफ डिप्लॉयड थी किसान प्रोटेस्ट की वजह से। किसान यहाँ पर अपनी संसद चला रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आप आरएएफ के बटालियंस देख सकते हो, रैपिड एक्शन फोर्स के बटालियंस। चलिए दोस्तों आप रास्ता देखो, हम आगे बढ़ते हैं तब तक। दोस्तों अब मेरा मेट्रो स्टेशन आने वाला है, यह है पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। इसी के अंदर एक है मेट्रो म्यूजियम। तो ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है मेट्रो म्यूजियम पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर। आप इसको देख सकते हो, ये है मेट्रो म्यूजियम। दोस्तों इसमें दिल्ली मेट्रो के बारे में हर चीज़ दिखाई गई है, कब बनी, कैसे बनती है, किस तरह ऑपरेट करती है, हर चीज़ दिखाई गई है। आप भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो। दोस्तों मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद अब घर जाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं निकल पड़ा हूँ घर की तरफ। चलिए कैमरा सामने की तरफ कर देता हूँ, आप भी देख लो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी और इस तरह की वीडियोस आप और भी चाहते हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।